नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 सम्मेलन को लेकर आतंकी पन्नू की धमकी, गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर लगाए खालिस्तानी झंडे, प्रधानमंत्री मोदी को फिर दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के बैनर तले खालिस्तान की मांग कर रहे आतंकी गुरु परमवंत पन्नू ने एक बार फिर G20 सम्मेलन का माहौल खराब करने की कोशिश की। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा होने के कारण आतंकी पन्नू ने अब गुरुग्राम की हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन फ्लाईओवर पर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया। पन्नू ने अपनी नई वीडियो भी वायरल कर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी। आतंकी पन्नू ने वीडियो वायरल कर दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर निशाना साधा। पन्नू ने कहा कि दिल्ली में 9 से 11 सितंबर तक G20 सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली में खालिस्तानी झंडा फहराने और मेट्रो स्टेशन पर नारे लिखने के बाद अब खालिस्तानी समर्थकों ने हरियाणा में गुरुग्राम में झंडा फहरा दिया। पन्नू ने वीडियो में बताया कि यह झंडा खालिस्तान समर्थकों ने गुरुग्राम की हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 29 के फ्लाईओवर पर फहराया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 समिट इंडिया स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के इस मैसेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया G20 समिट का समापन, ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ G20 शिखर सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को G20 अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आशा है कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य का रोडमैप आनंदमय होगा। 140 करोड़ भारतीयों की इस मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें G20 की अध्यक्षता सौंपना चाहता हूं। दोस्तों, नवंबर में वर्चुअल सेशन करने का प्रस्ताव रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। इन दो दिनों में आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उन पर किस तरीके से कार्य हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 200 घंटे की बातचीत में तय हुआ G20 घोषणा पत्र, भारतीय शेरपा बोले 300 बैठकों 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति, थरूर ने भी की तारीफ। जी हां दोस्तों, G20 समिट के पहले ही दिन शनिवार को दोपहर करीब 3:24 पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक घोषणा की। पीएम मोदी बोले, अभी अभी एक खुशखबरी मिली, हमारी टीम और सभी के हार्ड वर्क से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। जिस टीम का पीएम मोदी ने जिक्र किया उसमें G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनकी तारीफ की। दरअसल दोस्तों, शेरपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रहे यूक्रेन जंग के मुद्दे पर सहमति बन सकी। इसके बाद G20 समिट का घोषणा पत्र पारित हुआ। अमिताभ कांत ने कहा कि इस दौरान दो अधिकारी नागराज नायडू और ईनम गंभीर ने उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं, प्रधानमंत्री खुद को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता में कौन लाया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आम जन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है, यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है, सरकार जो दे रही है वह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने राजस्थानी में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे भी लगवाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल बोले, इंडिया गठबंधन से सरकार चिढ़ गई, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है, बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वे एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे G20 समिट खत्म होने के दो दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को भारत लौटने वाले हैं।
दरअसल दोस्तों राहुल ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ बदसलूकी की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के दाव से चीन को मिलेगा इटली से झटका, ड्रैगन का BRI प्रोजेक्ट अब मुश्किल में। जी हां दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी चीनी समकक्ष ली कियांग को संकेत दिया है कि इटली चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शनिवार को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ली मेलानी की बैठक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इतावली सरकार ने खुले तौर पर BRI छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग की प्रसिद्ध अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा पहल से रोम को कोई लाभ नहीं हुआ। नेताओं के बीच बैठक के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने ली कियांग को बताया कि इटली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेहद हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की योजना बना रहे हैं, जबकि वह अभी भी बीजिंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्राजील G20 में गिरफ्तार नहीं होंगे पुतिन, राष्ट्रपति लूना ने कहा मेरे रहते उनके खिलाफ कार्यवाही संभव नहीं, पुतिन को भेजेंगे निमंत्रण। जी हां दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा डिसिल्वा ने कहा कि अगले साल उनके यहां होने वाले G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। मेरे राष्ट्रपति रहते हुए पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कही। ब्राजील की राजधानी रियो में अगले साल G20 का आयोजन होने वाला है। दरअसल दोस्तों लूना ने फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए कहा कि वो अगले साल ब्राजील में होने वाले G20 समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि वो G20 समिट से पहले वो अगले साल रूस में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि पुतिन अगले साल आसानी से ब्राजील आ सकते हैं। पुतिन के खिलाफ इस साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर यूक्रेन जंग में युद्ध अपराध और हजारों बच्चों को यूक्रेन से बाहर डिपोर्ट करने का आरोप लगा था। रूस ने इस जंग में किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाने वाले देशों में ब्राजील भी शामिल है।